जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बुद्धि क्या है, बुद्धि के विभिन्न आयामों को और बुद्धि की परिभाषा को। जी हाँ, तो व्हाट इज इंटेलिजेंस, इसके ऊपर आज हमारा ये कंप्लीट डिस्कशन रहने वाला है। बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भविष्य में पाने के लिए बगल में बेल आइकन होगा उसको भी ध्यान से प्रेस कर दें। अगर आपको इंटेलिजेंस का ये टॉपिक समझ में आए, अच्छा लगे, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है। आप सब ने कभी न कभी इस शब्द को सुना होगा, इसका प्रयोग भी किया होगा। अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा की बात करें तो बुद्धि या बुद्धिमान व्यक्ति हम किसको मानते हैं, उसको मानते हैं जिसकी तार्किक करने की क्षमता अच्छी लगती है या अधिक होती है हमसे, या फिर जो बहुत अच्छे से स्मरण कर सकता है किसी बात को उसको कहते हैं। तो इस प्रकार कई कई जो जल्दी सीख जाता है उसको कह सकते हैं कि नहीं, इसकी बुद्धि बहुत तेज है। तो ये हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जिसमें हम बुद्धि का प्रयोग इस रूप में करते हैं। किंतु जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो बुद्धि की परिभाषा या जो बुद्धि को एक्सप्लेन किया वो कहीं ना कहीं जो हमारी नॉर्मल थी उससे थोड़ा अलग किया। तो बुद्धि, वैसे तो बुद्धि परीक्षण आए, उसके बाद बुद्धि के ऊपर कार्य होने शुरू हुए कि क्या होता है, तो इसमें मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद है। क्योंकि शुरुआत की जो परिभाषाएं दी गई थी उनमें सब ने एक एक चीज़ों को उठाया था। किसी ने कहा कि जैसे मैंने यहाँ जो ये तीन पॉइंट्स लिखा है तो ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि पहले आप इन तीनों तथ्यों को समझें कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने किस किस प्रकार से पहले उसको डिफाइन किया, फिर किस प्रकार से हमें बुद्धि की डेफिनेशन मिली, ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कहेंगे तो 1923 में अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं कि सबसे पहला जो बुद्धि का आपका डेफिनेशन आया था फॉर्मल, वो किसने दिया था, तो वो देने वाले थे बोरिंग महोदय ने इसको दिया है। बोरिंग ने क्या कहा था, इंटेलिजेंस इज़ व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेज़र। ये सबसे पहली डेफिनेशन थी, फॉर्मल डेफिनेशन जो बुद्धि के बारे में दी गई थी 1923 में। तो बोरिंग ने क्या कहा था कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक, बुद्धि क्या है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। अब ये बुद्धि परीक्षण क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये 1923 में दे रहे हैं। बट 1905 में ही आपका जो बुद्धि परीक्षण था वो आ चुका था, जिसको बिने और साइमन ने दिया था। इंटेलिजेंस टेस्ट पहले आ चुका था, ठीक, 1905 में, और 1923 में इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि वही है जो वो बुद्धि परीक्षण बनाया गया है जो वो मापता है। तो इसके बाद कई लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी और लोगों ने कहा कि भाई देखो, बुद्धि क्या है, तो वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता। मतलब कुछ लोगों ने इस विचारधारा को माना कि बुद्धि क्या है, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता। दैट मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट, जो आपका वातावरण है, आप जिसमें रहते हैं, आप जितनी जल्दी उसमें एडजस्ट हो जाएं आप उतने ही बड़े बुद्धिमानी। सेकंड इन्होंने क्या कहा, बुद्धि सीखने की क्षमता के रूप में, कि बुद्धि क्या है, आपका एबिलिटी है, आपकी काबिलियत है कि आप उस चीज़ को कितनी जल्दी सीख पा रहे हैं। एबिलिटी टू लर्न, कि आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी पकड़ पा रहे हैं, कितनी जल्दी सीख ले रहे हैं, जितनी जल्दी सीख लिया आप उतने बुद्धिमान, ये दूसरी थी। तीसरी जो परिभाषा कुछ लोगों ने जो डिफाइन किया वो किस बेस पे किया, अमूर्त चिंतन के रूप में। मतलब जो आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को क्षमता के रूप में, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है कि अगर आप चीज़ों को, सिंबल्स को आसानी से बिना देखे जो है उसको इमेजिन कर पा रहे हैं और उसके आधार पे कुछ नया दे पा रहे हैं, तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, अच्छी है। तो अगर किसी व्यक्ति की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी है तो इसका मतलब वो क्या है, बुद्धिमान। तो ये तीन आपको समझ में आया, कौन कौन से हैं। पहला इन्होंने क्या कहा, एबिलिटी टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के साथ समायोजित करना। दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरा इन्होंने बताया कि एबिलिटी टू लर्न, किसी चीज़ को सीखने की जो क्षमता है। और तीसरा इन्होंने क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता के रूप में, मतलब जो जितना जल्दी अमूर्त चिंतन कर लेता है।
तो अब इसमें आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं तीनों परिभाषाओं में जो बेस माना गया वो यही बेस था। तो जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक डायमेंशन को ये लोग दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एडजस्टमेंट होता है बुद्धि में, ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ लर्निंग होती है, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही होती है। तो इसी कारण ये उतनी जो है आपकी आगे प्रचलित नहीं हो पाई। फिर भी जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसमें काफ़ी जो है साइकोलॉजिस्ट के बीच में मतभेद है, बट जो उसकी बेस्ट डेफिनेशन दी गई है वो वेशलर की दी गई है। फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको वेशलर की डेफिनेशन ही लर्न करनी चाहिए, ऐसा मैं आपको कहूँगी, क्योंकि वेशलर की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं साइकोलॉजी में जो आपको हूबहू एकदम एक्यूरेट याद होना चाहिए। जैसे कि आप इसकी बात करें तो इंटेलिजेंस में वेशलर की डेफिनेशन हो गई, पर्सनालिटी में आलपोर्ट की डेफिनेशन हो गई। ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस है जो उसके पूरे जिस्ट को अपने अंदर लिए हुए है, इन द सेंस कि अभी जब मैं आपको वेशलर की डेफिनेशन सिर्फ पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बिटवीन द लाइंस कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तब आपको समझ में आया कि जो तीन अलग अलग इन्होंने विचारधाराएँ चलाईं किस तरीके से वेशलर ने उसको एक ही में इंक्लूड कर दिया। इसी कारण इसको जो है इंटेलिजेंस के फील्ड में हम इसको बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मानते हैं कि जिसमें इंटेलिजेंस के मल्टीपल एस्पेक्ट को इन्होंने कवर किया है। क्लियर? तो आप ये कोशिश करिए कि आप इस डेफिनेशन को इस वीडियो में ही आप इस डेफिनेशन को इस वीडियो में ही क्या करें, लर्न करके जाएं। तो देखिए जो वेशलर हैं, सबसे पहले डेफिनेशन किसकी है, वेशलर की है। 1939 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। ठीक, जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप इसी तरीके से लिखेंगे वेशलर को, फिर यहाँ पे आप कॉमा देंगे, उसके एक लाइन ठीक नीचे से वहाँ से आप डेफिनेशन की शुरुआत करेंगे। हिंदी में है तो हिंदी में भी, बुक इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी, आपको दोनों रूपों में बुक्स में आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। मैं यहाँ आपको बाइलिंगुअल ही एक्सप्लेन करूँगी, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, बुक्स में अगर आप खोजेंगे या आपको खोजना अगर आपको हिंदी चाहिए तो आप मोबाइल से गूगल के थ्रू भी आप ले सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, पूरा समुच्चय, पूरा के पूरा ग्रुप, और ग्लोबल कैपेसिटी सामूहिक क्षमता के रूप में। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी। बोलिए इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्या है ये, ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की जो समुच्चय और जो सामूहिक क्षमता होती है। समझ में आया, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब किस क्षमता की ये बात कर रहा है, एक मिनट, किस क्षमता की ये बात कर रहा है अब, हाँ तो ये किस क्षमता की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है टू एक्ट पर्पसफुली। पर्पसफुली का मतलब उद्देश्यपूर्ण तरीके से वो व्यवहार कर पाता है, मतलब व्यक्ति की वो क्षमता जिससे कि वो समाज में या अपने कार्यों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से क्या कर पाता है, एक्ट कर पाता है। टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली, विवेकशीलता के साथ वो चिंतन कर पा रहा है, चीजों को सही जो है वो समझ पा रहा है। एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरमेंट, और अपने पर्यावरण के साथ वो क्या कर पा रहा है, सही तरीके से समायोजन कर पा रहा है। हिज है ये, क्लियर? तो क्या कहा मैंने, एक बार ध्यान से सुनिए, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ अ इंडिविजुअल to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. ठीक, अब हिंदी में क्या है, तो हिंदी में ये है आपका कि जो बुद्धि होती है वो एक समुच्चय या सामूहिक क्षमता होती है एक व्यक्ति की, जो बताती है या दिखाती है उसके कहीं पर भी, उसके जो व्यवहार वो करता है वो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की, उसके विवेकशील चिंतन की, और उसके वातावरण के साथ उसके समायोजन की क्षमता को दिखाता है। क्लियर? तो आप इसको यहीं पे, अब देखिए, अब जब अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो मैंने यहाँ तीन अलग अलग पॉइंट्स में आपको बताए जिस पे लोगों ने क्या किया, आपको डिफाइन किया, अलग अलग डेफिनेशंस दी, एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, निकालिए इसको क्या है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करना, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे उसको समझ में आ रहा है,
सार्थक व्यवहार कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो इंटेलिजेंट है। टू थिंक रेशनली, तर्क वितर्क कर पा रहा है, उसको अपने विवेकशीलता के माध्यम से समझ पा रहा है चीज़ों को, दैट मीन्स वो इंटेलिजेंस है। एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट, कहीं भी पर्यावरण चेंज हो रहा है, मतलब कि आज वो क्लासरूम में है, बाहर जा रहा है तो दोस्तों के साथ उनके अपने जो है नेचर में ढल जा रहा है, क्लासरूम में आ रहा है तो क्लासरूम के इन्वायरमेंट के अनुसार ढल जा रहा है, कहीं दूसरे जगह जा रहा है अपने से ऊपर या अपने से नीचे कहीं पर भी जा रहा है तो वहाँ पे वो क्या कर पा रहा है, ईजिली कोप कर ले रहा है, ईजिली वहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो चेंजेस को जो है नहीं एडजस्ट कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बट ऐसे बच्चे क्या कर पाते हैं कि चाहे जैसे भी कंडीशंस हो वो उसके साथ क्या हो जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये सिचुएशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती हैं, इंटरनल भी होती हैं, ठीक। कई बार परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, जो स्टीरियोटाइपिंग आती है वो इसी वजह से तो आती है जब हम सोसाइटी के साथ उसके होने वाले चेंजेस के साथ अपने आप को नहीं मिला पाते और हम पीछे हो जाते हैं, जो कल्चरल लैग की हम बात करते हैं, सांस्कृतिक लैग जो आपका होता है, बिछड़ना, ठीक। तो क्या है वेस्लर की डेफिनेशन, इंटेलिजेंस इज द, साथ में आप उसको बोलिए, ठीक है, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. तो ये इनकी डेफिनेशन थी। एक और आप बोरिंग की जो मैंने बताई आप उसको भी राइट कर सकते हैं स्टार्टिंग में कि इंटेलिजेंस इज वॉट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, बट वो आउटडेटेड हो चुकी है। आपकी बेस्ट डेफिनेशन मेरे हिसाब से वेस्लर की ही है जिसमें सभी चीज़ें आपको प्रॉपर अप टू डेट मिलेंगी। बकिंघम है एक जिन्होंने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है भाई, एबिलिटी टू लर्न, आप ही दूसरा वाला देख रहे हैं, यही चीज़ ये कह रहे हैं, तो ये इसी के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा इसमें भी आपको कई सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम देखने को मिल जाएंगे, बट अच्छा यही है कि आप एक ही याद करिए और ऐसा याद करिए कि आपके नंबर कहीं से भी कटे ना, क्लियर। तो ये आपका क्या था, बैचलर की डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर, बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि बुद्धि इतना हमने पढ़ लिया, प्रकार भी तो पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे पता लगेगा कितने प्रकार की बुद्धि होती है। तो किसके द्वारा हम ये प्रकार देख रहे हैं, तो याद रखिए थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए तीन प्रकार की बुद्धि को आज हम अध्ययन करेंगे। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। कितने प्रकार की बुद्धि दी है, तो तीन प्रकार की। कौन कौन सी है, पहला आपका सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसको हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और तीसरा है आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस, जिसको हम मूर्त बुद्धि कहते हैं, क्लियर। अब देखिए, जब आप बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की, तो सोसाइटी या सोशल, आप इससे क्या समझते हैं, सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक तौर से। जब आप समाज में होते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो लोग उस चीज़ को सुने, आपकी वाणी वैसी होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर अगर आप लोगों को कोई बात बता रहे हैं तो वो उस चीज़ से क्या होनी चाहिए, इम्प्रेस होने चाहिए। मतलब अगर आपके अंदर सोशल स्किल्स बेहतर हैं, आप किसी भी ग्रुप पे जाते हैं, लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, लोगों को ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं कि नहीं वो आप बाहर से आए हैं, तो ये क्या है, इसका मतलब है आपके अंदर जो सोशल स्किल्स है वो बेहतर है, सोशल रिलेशंस आपके जो है दूसरे के साथ बेहतर हैं, तब आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस जो है ये बुद्धि है। जैसे जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, इन लोगों के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से मोबिलाइज करते हैं ये ऑडियंस को अपने सामने, किस प्रकार से प्लीज करते हैं, ठीक, कि हाँ ऐसे अच्छे अच्छे वादे और उसको दिखा करके, और जनता सोचती है कि बस ये कर ही देंगे। तो वो क्या है, जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये ऐसे थोड़े कह रहे हैं, करेंगे, वो तो चुनाव के बाद पता लगता है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, एक टाइम के लिए हमको अपने बातों में वो फंसा ही देते हैं कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो ऐसा होगा। तो ये क्या है, उनके अंदर सोशल स्किल्स जो है अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए उनका सोशल इंटेलिजेंस होता है। दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। देखिए, अमूर्त और मूर्त में बहुत बार कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको ईजी तरीका बताती हूँ जिससे कि आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक, तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा हुआ है,
उसी से आप रिलेट करिए। साथ में एब्स्ट्रैक्ट और ये कंक्रीट है, तो कंक्रीट का मतलब स्थूल या ठोस होता है। क्या होता है? मूर्त के साथ स्थूल या ठोस। कंक्रीट दैट मीन्स जो चीज़ आपको आपके सामने दिखाई दे रही, जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक, जिसको आप टच कर सकते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, ऐसी चीज़ जिसको ना तो आप देख पाएंगे ना आप टच कर सकते हैं, जैसे फीलिंग्स हो गए, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है, ना तो आप उसको देख सकते हैं ना आप टच कर सकते हैं। प्यार हो गया, इसको ना तो आप देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं। जेलसी हो गया, हेट हो गया, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। लेकिन जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, तो अब वो लोग आएंगे कि जो चीज़ें आपको सामने वर्ल्ड में दिखाई तो नहीं देती है, बट वो एग्जिस्ट करती हैं और वो लोग उसको आसानी से समझ जाते हैं। जैसे स्कल्पचर जो आपके होते हैं, मूर्तिकार जो होते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, मकान बनाने वाला पहले आपके ज़मीन पर जाकर मकान बनाकर फिर उसको हटाकर नहीं बनाता। आप उसको बता देते हैं कि देखो मुझे ऐसे कमरा चाहिए, यहाँ पे ऐसे चाहिए और इतना वो ऊंचाई चाहिए, इतना वो चाहिए। अब वो अपनी बुद्धि का यूज़ करके उसको सब चीज़ का ना एक एरिया का उसको वो पता लग जाता है कि इसमें इतना सुंदर मकान बनेगा, इस जगह पे ये रहेगा, वो इतने फीट में रहेगा, जो भी रहेगा। मैथमेटिशियंस साथ ही साथ सिर्फ जगह का ही नहीं इंटेलिजेंस, बल्कि सिंबल्स के माध्यम से। मैथमेटिक्स अगर आपने 11, 12 बीएससी में पढ़े तो पूरी की पूरी आपके सिंबल्स पे ही आ जाती है। कितने सारे सिंबल्स उसके अंदर होते हैं, फाई से लेकर के पता नहीं कौन कौन से। तो ये क्या है कि फिर अगर एक छोटे बच्चे को दिखाया जाए तो उसको वो मैथ नहीं, उसको लगेगा ये कौन सा ही, क्या ही चल रहा है उसमें सिंबल्स के माध्यम से। तो ये क्या है, मैथमेटिशियंस के पास भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, क्योंकि उनके पास, उनको क्वेश्चन में साफ ही दे दिया जाता है कि सपोज़ यू हैव 5 चॉकलेट्स, तो उनका सपोजिशन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट रहता है। तो वो इसलिए उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है कि मिलना कुछ नहीं, सब हमको सपोज करके ही चलना है। जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, इस कारण से ये भी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। थर्ड आपका है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि अर्थात जो ठोस चीज़ों से ही समझते हैं, कि जिनको जब आप दिखाएंगे तभी। छोटे बच्चों में अगर हम बात करें तो अगर हम उनको पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं तो हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों का जो जिनको हम उनको दिखा सकें, और दिखा करके जब हम उनको पढ़ाएंगे तो इसके माध्यम से वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, ठीक। और जैसे जैसे हमारी क्लासेस बड़ी होती है तो हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चले आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि जो ठोस वस्तुओं के महत्व से समझते हैं, जैसे बिजनेसमैन आपके हो गए, ठीक है, जो काम करने वाले व्यापारी होते हैं वो लोग। तो ये क्या था, ये आपका इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके टाइप्स। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे कारक जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? बुद्धि को। तो आप याद रखिए कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। कितने होते हैं? दो कारक। कौन कौन से हैं? पहला है आपका अनुवांशिकी और दूसरा है आपका पर्यावरण, अर्थात पहला हेरिडिटी है और दूसरा इन्वायरमेंट है। अब ये क्या चीज़ है, तो हेरिडिटी में यहाँ मैंने कुछ आपके साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखा है, अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आता है तो इनका नाम आप ज़रूर डालिएगा, ठीक, वहाँ पे राइट करिएगा। जैसे हेरिडिटी में गाल्टन का नाम हो गया, टर्मन का नाम हो गया, इन लोगों का नाम। इन्वायरमेंट में विलियम्स का नाम और क्लार्क का नाम। अब देखिए, हालांकि आपसे जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, शॉर्ट में तो ये पूछेगा नहीं, लॉन्ग में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। हेरिडिटी का सबसे पहले यूज़ जो है गाल्टन ने अपनी बुक में किया था, ठीक, गाल्टन की बुक आई थी जिसमें उन्होंने हेरिडिटी से रिलेटेड लिखा था, और उसमें पहली बार इन्होंने जो है हेरिडिटी शब्द का यूज़ किया था, ठीक। इनका मानना था कि जो बच्चे का इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा हेरिडिटी से ही क्या होता है, प्रभावित होता है। और वहीं जो इन्वायरमेंट को मानने वाले थे, पर्यावरण को, इनका मानना था कि अगर प्रॉपर पर्यावरण न दिया जाए बच्चे को तो उसका भी इंटेलिजेंस क्या होगा, रुक जाएगा, उसका इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं होगा। अब एक और आपको जानना है, नेचर नर्चर कॉन्फ्लिक्ट, इसी के बीच का है, इसको भी आप दो लाइन में समझ लीजिए। नेचर नर्चर कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्रकृति पोषण विवाद हम इसको कहते हैं। इसमें कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बीच में मतभेद है। किस बात का मतभेद है, कि नेचर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो दूसरे वाला कहता है कि नहीं नर्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसी विवाद को दिखाया गया है कि बीच में बुद्धि है, प्रकृतिवादी प्रकृति वाले अपने को जो है बताते हैं कि नहीं प्रकृति का अधिक
प्रभाव है, और पोषण वाले कहते हैं कि नहीं पोषण का ठीक, अगर उसको पोषण ही न दिया जाए तो बच्चे तो कुछ भी सोशलाइज उसका नहीं होगा। तो प्रकृति वाले कहते हैं कि भाई आप पोषण देके क्या करोगे अगर उसके जीन्स और डीएनए में ही वो चीज़ नहीं है। तो इन लोगों के बीच में मतभेद होता है, तो उनके मतभेद को होने दीजिए, वो हम रोक भी नहीं सकते। तो आप इतना जान लीजिए कि दो फैक्टर्स जो होते हैं मेन, जो एक इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस पे असर डालते हैं, वो एक है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरमेंट। अब इसके बाद हमारी थियरीज आती हैं इंटेलिजेंस की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, एक थियरी आपकी ज़रूर आएगी, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसको कॉमेंट करके बता दें, वीडियो कैसी लगे वो भी हमें बताएँ। और इसके साथ ही अगर पहली बार राजर्षी क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, जाने से पहले इतनी मेहनत लगती है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।